काफी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहां दौड़ाया गया और वहां पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है। डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। देखिए, जेटली की जो घटना है वो कल एक आपसी विवाद और वैन और ट्रैक्टर को लगाने को लेकर के फतुहा थाने, फतुहा अनुमंडल के नदी थाना क्षेत्र के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, वहां पर यह घटना हुई है। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीजें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके दो तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहा सुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसमें इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहां आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था वहां पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहां काफी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहां दौड़ाया गया और वहां पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है, उनको निर्देश दिया गया, उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। सर, ये पंचायत चुनाव के समय से ही दोनों में रंजिश चल रही थी। देखिए, आपराधिक पृष्ठभूमि भी था जो मुख्यमंत्री। देखिए, अभी ऐसी जानकारी मेरे पास में नहीं है। ये आपने बात ठीक कही है कि एक पक्ष की तरफ से मतलब स्थानीय रूप से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके परिवार में रह चुके हैं, जैसे मुखियापति या जिला परिषद के सदस्य या इस तरह के लोग रहे हैं, और जब इस तरह की घटना हुई है तो ऑब्वियसली लोग नाराज हुए, उनके द्वारा आगजनी की गई, पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई, अब स्थिति शांतिपूर्ण। सर, आपने कहा कि यहाँ पर भूमि माफियाओं की संलिप्तता बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि ये भूमि माफिया जमीन अधिग्रहण और उसको खरीदने बेचने का जो काम करते थे, जिसमें मुखियापति शामिल है, जिसमें ये घटना, पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें, चूंकि ये महत्वपूर्ण केस है, इसमें 2 लोगों की हत्या हो गई है, तो अब पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करेगी। किसी भी अभियुक्त का क्या पक्ष रहा है, उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, और इस क्रम में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे।